की शादी हुई थी खैर ना? 11 साल की उम्र। इतनी छोटी? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 12। बच्चे तो किवें पैदा कर लेने, तू तो हले आप बच्ची है। एवें तुहानू और काम कोई नहीं होंदा? और कोई काम ही नहीं, वेली कार आ। और सुबह दे टाइम रिक्शा चलांदा है ते रात नु बच्चे रट लगी हुई है। एक मिनट, इन्ने बच्चे पैदा कर लेने के बिना नास्ते कपड़े भी नहीं है, उसको कभी रोका नहीं कि जानू इतने बच्चे पैदा करके हम लोगों ने क्या कोई टीम थोड़ी बनानी है? जानू मत करो, असि फौज बनानी है। केड़ी फौज तू तैयार कर? फौज दा नाम ना लईए, इंडिया ने लड़ना है असि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को घर पे कुछ भी काम नहीं है भाई, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम मिल रहा है भाई। उनका कहना है कि हमें घर पे कोई काम नहीं है करने के लिए, इसलिए हम जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में लड़कियां नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। एक मिनट, इन्ने बच्चे पैदा कर लेने के बिना नास्ते कपड़े भी नहीं है, अम्मी आप बड़ी टिप टॉप होके बैठी। बंदा बंदा बार बंदा बार की करदा है? बार किधर? बार तो मुल्के गए? नहीं, फिर काम करदा है, रक्षा चलांदा है। हां जी, रक्षा वाला चलांदा है। और रक्षा केड़े वेले चलांदा है? जदों तेरे बच्चे ही आने ने ते। और सुबह दे टाइम रक्षा चलांदा है ते रात नु बच्चे अच्छा तुमने उसको कभी रोका नहीं कि जानू इतने बच्चे पैदा करके हम लोगों ने क्या कोई टीम थोड़ी बनानी है? जानू मत करो, असि फौज बनानी है। केड़ी फौज तू तैयार कर? फौज दा नाम ना लईए, इंडिया ने लड़ना है असि। इंडिया ना लड़ के इतनी फौज, एक हर साइज दा बच्चा तेरे को अवेलेबल है कितों? हमने करते बारह कर लेने तो तू करने तू किने करने ने? ना करने भी नहीं है। क्यों ना हम नहीं कर सकते? क्यों कर सकते? तुसी नहीं कर सकते? ना मैं नहीं कर सकती। एडा फैशन तू कितना होया केड़ियां फिल्मा में हाजे मन केड़ियां फिल्मा देख रही है तू? इंडिया दिया फिल्मा में क्या फैशन की गई? क्या यार मुझे शौक है। किस चीज का? ये खेलने का। किस चीज का शौक है? सोनी लगन दा। मैं सोनी लगा, मैं सारे फैशन करा तो मैं सोनी लगा। बच्चे भी तौबा तौबा तेरे कारण ने, तेनू कोई शर्म हया नहीं है। जलील करके रखता है ना बच्चा ने। ओ तेरी, ओ आराम नाल मेरी ते गल सुनदे ही नहीं। मेरी गल सुन, किसे नाम लो, किसे बच्चे ना दे की नाम रखे हुए ने? नाम ही भूल जानी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 12 तक गिनती वे। अच्छा, ये बच्चे काम कुछ पे जाते हैं? काम काज में जाते हैं कहीं? हां बाहर जाते हैं। एक मिनट,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਪਿੱਟੀਓ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਸੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਓ ਯਾਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੰਦਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਚੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਝੁੱਗੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਦੋਂ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਭਾਲ ਆ ਕੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਐ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਐ ਅੰਮੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ बच्चों के हालात आप लोगों के सामने हैं बैठी रे मामा बच्चों के पास बच्चिया ने किल किल पाई हुई है ऐसे कोई गंदे आंडे मां ने जमे ने ना जिन्हें एक मिनट आस्ते चुप नहीं हुए बाकी का फैशन आप लोगों के सामने अल्लाह इन लोगों को इसी तरह से खुश रखे मुझे दे ही जा तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान में एक छोटी सी लड़की की शादी हो गई भाई 11 साल की लड़की की शादी हो गई और शादी के बाद 12 साल उसकी शादी को हो गए और 12 साल में 12 ही बच्चे उसके पैदा हो गए भाई तो भाई उसके खुद खेलने कूदने की उम्र है और उसके देखो 12 बच्चे भाई जो वो खुद बच्ची है और अब वो बच्चों की माँ है वो भी 12 बच्चों की माँ तो कैसे उन्हें वो रखती होगी कैसे उनके नाम याद रखती होगी भाई कैसे उनके कपड़े पहनाती होगी भाई आधे बच्चे तो ऐसे ही घूम रहे थे भाई और आदों के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे भाई इतने बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे भाई पहले ही वो लोग इतने गरीब है भाई झुग्गियों में रहते हैं रहने के लिए घर भी नहीं है तो उन बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से आते होंगे तो भाई ये सब उनका होने वाला खर्चा भी उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि इतने बच्चे आ जाएंगे तो हम उनका खर्चा कैसे उठाएंगे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई बट उन्होंने ऐसा किया तो भाई पाकिस्तान में तो ये आदत थी भाई रहने के लिए घर नहीं है लेकिन इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने 12 साल में 12 बच्चे तो भाई कितनी घटिया बात है तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय